सारे पटियाला नू मेरी प्यार भरी सत श्री अकाल। जिवें कि तुहानू सारिआं नू पता है जी, कोविड दे विच असी हर बार रूबरू होंदे तुहानू जानू करवाउंदे असी सरकार वल्लों, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन ते मैडिकल अथॉरिटीज़ वल्लों की जिहड़ी हिदायत आई है, और असी इस हफ्ते साडी प्रोग्रेस की हैगी। साडे सिविल सर्जन जिहड़े हैगे हर दिन तुहाडे कोल तुहाडे समक्ष जिहड़ा हैगा ही कम्स टू लाइव एंड मेक श्योर कि हर रोज़ की जिहड़ी प्रोग्रेस है वो तुहानू दसे, सो दैट तुसीं एक फीडबैक लेके अपने हिसाब नाल तुहाडे लेवल ते की और होना चाहिदा हैगा उस बारे जाणू करवाया जांदा है। 16 सितंबर तक की जी गल करिए तो असी जी टोटल टेस्टिंग हूँ पटियाले की हो चुकी है वो 1,20,000 हो चुकी है। पेशेंट जोड़े हूँ तक पॉजिटिव हुए से 9,176 से हूँ आज की डेट से अगर पेशेंट एक्टिव की गल करिए जोड़े बंदे हूँ पॉजिटिव है आज की डेट से वो है 1,942। हूँ तक जोड़े है 6,982 बंदे जोड़े है पेशेंट्स डिस्चार्ज हो गए, वो सही होकर अपने घर चले गए। अफसोस की गल ये कि टोटल 252 जी है वो डैथ हुई है। बट अगर तुसी देखो साडा CFR हाले भी जोड़ा है जोड़ा फैटैलिटी रेट है वो 2.80 के नेड़े तेड़े है। हूँ तक जी असी रिपोर्ट करते असी एनालाइज़ करते कितने पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, उन्होंने एनालाइज़ करके असी 2 मेजर कंटेनमेंट एरिया बनाए हैं और 8 माइक्रो कंटेनमेंट एरिया है। जिमें कि मैं थोड़ा जहा ब्रेकअप देना, जोड़ा सा 1942 एक्टिव पेशेंट है वो साडे जोड़ा कोविड केयर सेंटर के 60 पेशेंट है, L2 च 280 पेशेंट है, L3 के 89 पेशेंट्स है, होम आइसोलेशन च 1200 पेशेंट है। होम आइसोलेशन की हूँ मॉनिटरिंग बड़ी स्ट्रिक्टली कर रहे हैं सिविल सर्जन दफ्तर, साडा जोड़ा लोकल SDMs है इन्हों के विचकार जोड़ा है रियल टाइम मॉनिटरिंग चलती है। असी होम आइसोलेशन की मॉनिटरिंग चंगी तरह करते हैं जस्ट बिकॉज कि कोई भी हालत बिगड़ती है असं नाल उन्होंने L2 या L3 फैसिलिटी ले आते हैं। बट हूँ तक साडा सिर्फ एक ऐसा केस था जिथे डैथ हुई वो भी 4 दिन बाद डैथ हुई, जोड़ा होम आइसोलेशन चो आपां नूं L3 शिफ्ट करना पाया। पीछे 15-20 दिन पहले ये देखा गया से कि थोड़ा जा लोगों के थोड़ी एप्रीहेंशन भी सी, लोगों के फीयर भी सीगा, ह्यूमर मोंगरिंग बहुत हो रहे थे सोशल नेटवर्किंग साइट से, चाहे वो फेसबुक हो चाहे अलग अलग तरह के फेसबुक सोशल नेटवर्किंग पोर्टल हो, लोग आके ये कई बार मिस इनफॉर्मेशन डिस्टॉर्टेड कर देंगे सके, उस करके लोगों को थोड़ा जा फीयर फैक्टर सेगा। SSP साहब वालों 9 से 10 परचे कराए जा चुके हैं। मेरी सिंपल जी जी गुजारिश ये है कि जिन्नी अर्ली डिटेक्ट असी केसेज नू करांगे उन्नी छेती जिहड़ा है मोर्टैलिटी कट जाती हैगी। तो ह्यूमर मोंगरिंग मैं फिर तो सिरे तो खारिज करदा, जिहड़ा कहिंदे कि ह्यूमन ट्रांसप्लांट जिहड़े अंगा दा ट्रांसप्लांट करे इस तरह की कोई गल नहीं है, जो भी करदा प्लीज़ कोशिश ये करो, प्रोसैस करो, इनफॉर्मेशन नू सचेत होकर समझो, और जब तुहानू लगता है कि तुसी पूरे फैक्ट बेस्ड को इशू है तुसी मेरे ऑफिस दे नाल या सिविल सर्जन या पुलिस महकमे दे नाल तालमेल कर सकते हो। दूजी जो सब तो महत्वपूर्ण गल हैगी पिछले 10-12 दिनों से देखी जाती है कि अपने केसेस बढ़ रहे हैं, देर इज़ अ रीज़न टू इट जी। पहले असी 1700-1800 के नेड़े तेड़े केसेस कर रहे थे, बहुत लाजमी है जिन्ना तुसी केसेस करोगे उन्नी पॉजिटिविटी दिखती हैगी, तो असी 1700-1800 जो केस करते 130-140 या 170-180 के नेड़े तेड़े साढ़े पॉजिटिव पेशेंट आते थे। हुण साडी टेस्टिंग वध के 3300-3400 ईवन 3500 तक पहुँच गई है, बट साडे जिहड़े पॉजिटिव केसेज है वो 250 के नेड़े तेड़े एवरेज आउट हुई है, तो जोड़ा पॉजिटिविटी रेट है वो हाले भी 6-7.5% के नेड़े तेड़े हैगा। कल जिमें कि 288 केसेज आए, 120 इस तरह के पेशेंट से जो एक इंडस्ट्री के पाए गए, तो ये बहुत ज़्यादा फिक्र करने की लड़ नहीं, बट यस अपनी जिले की पॉजिटिविटी रेट 6 से 8 के विचकार हूँ भी है, पहले 3 हफ्ते पहले ये 11-12% थी, हूँ यह घटकर 6 से 8% है। बट कहण दा भाव है हर 100 बंदिया दे विच अपने 6 बंदे या 7 बंदे या 8 बंदे पॉजिटिव है, तो आपां नूं थोड़ी सतर्कता रखण दी लोड़ हैगी। ये लोकां दे कुछ क्वेश्चन भी आंदे कि आपां पीक कर गए नहीं कर गए, ऑनेस्टली कहना बहुत मुश्किल है पीक कर गए नहीं कर गए, बट ये स्टेबिलिटी करवे आपां हुण थल्ले जा रहे एज पर पॉजिटिविटी रेट। जब मैं कहंदा 11-12% तो वध घट के 6 या 7% के नेड़े तेड़े साड़ी पॉजिटिविटी आ गई है, यह मतलब है कहीं ना कहीं केसेस घट रहे हैं, बट टेस्टिंग वधाउनी पैंदी है, लोगों नू साडे नाल कोऑपरेट भी करना चाहिए हैगा। 2 हफ्ते पहले देखा गया जिथे भी साडे SDM की टीम जाती सी, ईवन तहसीलदार की टीम जाती सी या डॉक्टर की टीम जाती सी, काफ़ी रिपल्शन का सामना करना पैंदा सीगा, बहुत लाजमी है जी लोगों के अंदर फीयर हैगा। मैं बस इस पोर्टल के थ्रू इस लाइव सैशन के थ्रू तुहानू बस ये कहना चाहुंदा जी कि प्लीज़ कोई इशू नहीं है, तुहाडे घर अगर तुहाडे कोल एक सैपरेट रूम है, सैपरेट कमरा हैगा, सैपरेट बाथरूम है, तुसी टेस्ट कराओ, अगर तुसी फर्ज करो पॉजिटिव आ भी जाते हो तुसी अपने घरे रहोगे, तुहानू हॉस्पिटल तब तक नहीं लाएंगे जब तक तुहाडी जिहड़ी है मॉर्बिडिटी बहुत हाई ना होवे। इहदे अलावा जस्ट टू गिव यू असी एनालाइज़ ये करदे कि हर एक वीक नू असी कंपेयर करदे हैं, प्रीवियस वीक साडे इत्थे 48 डैथ हुई सीगी,
हूँ इस वीक संडे टू संडे असी मॉनिटर करते हैं, आज वेनसडे हैगा साड़ी जी डैथ है टोटल 9 हैगी, तो पिछले वीक के हिसाब से हूँ डैथ भी साड़ी घट रही है, बट ये कहने का बहुत मुश्किल है कल वध जाए घट जाए, बट मैं फिर तो तुहानू मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जी, जब भी तुहानू कोई सिमटोमैटिक है या कोई सिमटम है या तुसी किसी कॉन्टैक्ट च आ गए हो प्लीज़ टैसट कराओ, साढ़ा 104 नंबर हैगा, साडा कंट्रोल रूम का नंबर हैगा, फेसबुक लाइव सैशन हैगा, तुसी इहदे विच इसनू यूज़ करो और सानू सचेत करो, सानू इनफॉर्मेशन दो। हुण कई लाइव क्वेश्चन साढ़े को आए हैं जी और चंगा लगता है, लोग काफ़ी अवेयर है, लोग क्वेश्चन पूछते हैं। पर्ल स्टैनले हैगे, शी आस्क सर वाई आर वी अलाउिंग अबव 65 ईयर ऑफ पीपल टू गो आउट एंड वर्क, सो एग्जेम्पशन शुड बी गिवन टू द पीपल ऑफ द एज ग्रुप, आई एम रेफरिंग टू इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स। पर्ल जी द इशू इज, देखिए सब तो पहले अगर तुसी गाइडलाइन पढ़ो, 10 साल तो नीचे जड़े बच्चे हैं, 60 साल तो जड़े बुजुर्ग हैं, उन्हानू असी रिस्क जोन से जड़ा हैगा मानते हैं, तुसी काइंडली सानू दसो स्पेसिफिकली केड़ा मैनेजमेंट है, देर इज़ नो वे कि आप इन्हानू एग्जेम्प्ट नहीं कर सकते, अगर तुसी मैंनू इन्फॉर्मेशन दे दो कि मैं मैनेजमेंट के नाल तालमेल करके कोशिश ये करांगे कि इन्हों एग्जेम्प्ट करवा दिए। हरिंदर सिंह लोंगिया साहब है जी, ये कहते हैं देर इज़ नो बैड विद ICU, बैकअप आर टू लैस, कैन द DC ऑफिस पास एन ऑर्डर टू इंश्योर ग्रेटर नंबर ऑफ बैड्स इन प्राइवेट हॉस्पिटल। हरिंदर जी तुहाडी गल एकदम ठीक है, बट तुसी 2 हफ्ते पहले जब मैं लाइव होया सीगा उहदे विच सर्च प्लैन की गल की सी, सर्च प्लैन का मतलब होंदा है कि अगर तुहाडे केस वध जाते हैं, अपने जिले का केस अगर वध जाते हैं, साडे कोल की बैकअप प्लैन हैगा। मैं तुहानूं ये कहा सीगा कि मेरिटोरियस स्कूल च असी 100 L2 बैड्स बना रहे, राजेंद्र हॉस्पिटल च 150 L2 L3 बैड्स बना रहे, मॉडल टाउन जिहड़ा कम्युनिटी हैल्थ सेंटर है उत्थे भी आपां 50 जिहड़े है L2 बैड्स इंश्योर कर रहे हैं। इहदे अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल जिहड़ा 3 हफ्ते पहले 18 बैड दे विच सीगा सिर्फ L3, हुण वध के 37 बैड्स हो गए हैं। L2 बैड जिहड़े हैगे हमारे पास जो प्राइवेट हॉस्पिटल च हैगे वो नेड़े तेड़े 140 है, ये पहले 80 दे नेड़े तेड़े सीगे, तो टोटल वध के 70 बैड प्राइवेट च वधे, और साडे जिहड़े गवर्नमेंट दा जिहड़ा बैकअप प्लैन हैगा वो नेड़े तेड़े 300 बैड दा हैगा, तो हाले स्टिल साडी जिहड़ी ऑक्यूपेंसी अगर तुसी देखो सरकारी L2 बैड दी ऑक्यूपेंसी 24% है, सरकारी L3 बेड की ऑक्यूपेंसी 83% है, प्राइवेट L2 बेड की ऑक्यूपेंसी 72% है और L3 बेड की ऑक्यूपेंसी 43% है। तो कहने का भाव ये कि हाले भी साडे कोल बैड हैगा, बट जिवें जिवें केसेस वधणगे सर्च प्लैन साडा तैयार है, असी नाल दे नाल एक्टिव कर देवांगे, देर इज़ नो इशू विद रिस्पेक्ट टू सर्च प्लैन। राजेंद्र गोयल जी हैगे, ये कहते हैं जी पब्लिक नू टेस्ट करवाण लई टेस्ट दा फायदा दसो, कुछ लोग टेस्ट दे बारे नहीं समझ रहे, टेस्ट करवाना बहुत जरूरी है। राजेंद्र जी थैंक यू, तुसी ये क्वेश्चन उठाया, मैं बार बार यही कह रहा जी टेस्ट कराना बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक आप टेस्ट नहीं करावांगे, असी ये एक्सक्लूड नहीं करांगे जिहड़ा पॉजिटिव एक्टिव पेशेंट्स है मार्केट च, तब तक साडा जिहड़ा ये कर्व चला ही जाएगा, जिन्नी छेती असी कैप्चर करांगे, जिन्नी छेती आप डिटेक्ट करांगे, मोर्टैलिटी भी घटदी है, सो और ताकि साडा पीक भी नाल दे नाल घट जाएगा। थैंक यू, तुसी ये क्वेश्चन पुटअप किया जी। JP गर्ग साहब है, ये कहते जी होम आइसोलेशन च लोगों को काफ़ी हरासमेंट होंगी है, हेल्थ डिपार्टमेंट का फोन आता है जी, बार बार परिवार को बार बार क्वेश्चन पूछते हैं। गर्ग साहब ये तुहाडी भलाई दे लई हैगा, बट हुण सेल्फ डिकलेरेशन का जिहड़ा हैगा आदेश आ गया, मैं सिविल सर्जन साडे मल्होत्रा साहब नूं कहांगा एक बार सारिया नूं ये जाणू करवा दें, अपने वल्लों भी शाम नूं जिहड़ा ये बाइट देंदे उहदे विच भी इस चीज़ के बारे तुहानूं सारिया नूं जाणू करवा दे जी। जथेदार सुखजीत सिंह भगोड़ा साहब है, डिप्टी कमिश्नर साहब जी वालों सरकारी अस्पताल घनौर विच मेडिकल डॉक्टर नहीं है, सर तुहाडा जिहड़ा ये क्वेश्चन है अगर डॉक्टर नहीं है मैं एक बार हेल्थ डिपार्टमेंट के नाल कोऑर्डिनेट कर लूँगा, हाले बिकॉज वी हैव रैशनलाइज जिथे भी सानू डॉक्टर्स की लोड़ सी राजेंद्र हॉस्पिटल मेजर क्रिटिकल केयर बैड्स के नाल असी जोड़े, अगर कोई कमी है मैं हेल्थ डिपार्टमेंट के नाल तालमेल कर लूँगा जी। अमरदीप ग्रेवाल साहब है, ये शी इज़ अ वेटरन सीनियर फ्रॉम आर्मी, आई अप्रिशिएट द इंस्ट्रक्शन पास्ड बाई यू एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मेजर प्रॉब्लम इज इंप्लीमेंटेशन, इट्स ईजी टू पास एन ऑर्डर बट हैव टू इंप्लीमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर मैंने अगर तुसी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन तुसी कह दो किस चीज़ की पालना नहीं हुई, मैं और प्रिसाइजली उहदे पीछे मॉनिटर कर लांगा, बाकी कर्फ्यू मैनेजमेंट की अगर गल है वो SSP साहब वालों बहुत स्ट्रिक्टली मॉनिटर किया जाता है, चालान भी कर रहे हैं, FIR भी कर रहे हैं, इनफैक्ट पटियाला जिहड़ा हैगा पिछले अगर तुसी 2 हफ्ते च देखो जो भी देर एनी परसन जिहड़ा र्यूमर मोंगर कर रहा है SSP साहब वालों नाल दे नाल उहदे अगेंस्ट FIR दर्ज की गई है, सो दैट किसी तरह का भी मिस इनफॉर्मेशन मिसट्रस्ट लोगों के विचकार और सरकार के विचकार ना हो। हरीश अरोड़ा साहब हैं, ये कहते जी मैं सवेरे 30 मिनट
साइकिलिंग दे ले जांदा, लोकी मास्क नहीं पहनते, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं करते। हरी जी 70-80% लोकी एडहेयर करते, असी भी चैकिंग करते, 20% नहीं करते। पुलिस प्रशासन, साड़ी सैक्टर मजिस्ट्रेट, साड़ी इनफोर्समेंट टीम वालों चालान किया जाता है। जी जसलीन थिंड है जी, ये कहते जी लॉकडाउन और कर्फ्यू होना चाहिए। मैडम ये होम डिपार्टमेंट का प्रेरोगेटिव है, जदों भी कोई आदेश आएगा असी नाल दे नाल जिहड़ा है इंप्लीमेंट करवा देवांगे। बट देर आर लॉट ऑफ वेरिएबल्स, कुछ लोग कहें लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, कुछ लोग कहें करना चाहिए, कि इट इज़ डिबेटेबल, वी आर नॉट द राइट पर्सन टू डू दैट। बट स्टिल जो भी आदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम डिपार्टमेंट का आएगा, विल मेक श्योर दैट इज़ फॉलोड इन स्पिरिट। पप्पाल घोषाल साहब हैं, इन्हों का क्वेश्चन है कि पीक कब करेगा। गोशाल साहब, मैं तुहानू जिवें पहले भी दस रहा सीगा, असी एनालाइज करते हैं डेटा। जिथे तक पॉजिटिविटी रेट की गल आप करिए, 11-12% तो घट के हूँ 7-8% आ गया, कहीं ना कहीं घट रहा है। बट जिवें जिवें असी टेस्ट वधांदे, एबजोल्यूट नंबर वधदे हैगे, बट डिनोमिनेटर साडा वधदा है, तो जिहड़ा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव केसिज इन रिलेशन टू द टोटल टेस्टेड केसिज वो घट रहे हैं। पहले असी 1800 केसेस कर रहे से 180 केसेस आ रहे थे, तो 180/1800 हुण 240-250 केस आ रहे 3600 दे विच, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी रेट घट रहा है, डेथ भी घट रहे हैं। बट दिस इज पीक, व्हाट आई पर्सनली फील दिस इज पीक, बट नो बडी कैन से कि पीक कब आएगा नहीं आएगा। मेरे हिसाब नाल हुण आपा प्लेटू कर गए विद रिस्पेक्ट टू पटियाला। हरजोत सिंह जी है, ये कहते जी प्लाज्मा बैंक के बारे तुसी जानू करवाओ। प्लाज्मा बैंक साडा जिहड़ा हैगा सब तो पहला स्टेट का प्लाज्मा बैंक, वी शुड बी प्राउड ऑफ कि पटियाला राजेंद्रा हॉस्पिटल से खुलिया सीगा, एक्सपेरिमेंटल बेसिस से है, इतने डॉक्टर्स भी रिसर्च कर रहे हैं, कई लोगों जिहड़ा हैगा ये थेरेपी दी गई है। एग्जैक्टली मेरे को हाल इनफॉर्मेशन नहीं है, बट मैं शाम नूं मल्होत्रा साहब नूं कहूँगा, सिविल सर्जन नूं, कि वो तुहानूं जानू करवाए इस बारे। शिखर वालिया साहब है, इन्हों का मैसेज है और इन्हों के कई पॉइंट्स हैं, बड़ी चंगी गल है, इन्होंने बड़ी चंगी तरह कॉम्प्रीहेंड किया इशू नूं, एंड आई एम रियली हैप्पी कि ये इशूज़ नूं समझते हैं। इन्हों का जिहड़ा पहला क्वेश्चन है, ये कहिंदे जी जिहड़े कोविड पॉजिटिव क्रिटिकल केसेज हैं उन्होंने साइकैट्रिक अटेंशन देना चाहिए गा। एकदम ठीक है जी, आपां दिस डिजीज़ इज़ नॉट ओनली डिजीज़, आपां ये समझिए कि देखिए नॉर्मल फ्लू है, बट हर बीमारी के नाल साइकैट्रिक इशू जुड़ते हैं, चाहे तुसी फ्लू हो, चाहे तुहाडा वायरल फीवर हो, एंड पैंडमिक च अगर तुसी पैंडमिक फ्लू च अगर तुसी कोविड फ्लू का अगर देखो, लोगों के जहन च इहदा असर पैंदा है। राजेंद्रा हॉस्पिटल होवे उत्थे असी साइकैट्रिक काउंसलिंग करदे, साडा जिहड़ा सीसी मेरिटोरियस स्कूल, अगर तुसी साडे फेसबुक पेज ते जाओ, असी उत्थे योगा भी करांदे हैं, मेडिटेशन काउंसलिंग भी करांदे हैं, साडी टैली कॉन्फ्रेंसिंग भी होंदी है, लोगों नूं असी अवेयर करदे हैं। दिस इज़ अ टाइम वैन पीपल शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट उन्हों की विल बहुत इंपॉर्टेंट होवे, लोगों का जो माइंड है बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए हैगा। देर इज़ नथिंग वेरी डेंजरस अबाउट दिस डिजीज़, अनलैस एंड अंटिल तुहानू को मॉरबिडिटी तुहाडे अंदर कोई फैक्टर है, या कोई हाइपरटेंसिव हो, या तुहाडा हार्ट डिजीज़ है, या तुसी डायबिटिक हो, कई लोग एसिम्टोमैटिक होकर भी निकल रहे हैं, तो वी आर गिविंग दिस काउंसलिंग एंड आई एम हैप्पी दैट तुसी ये क्वेश्चन उठाया। दूजा क्वेश्चन है कि जी जिहड़े वार्ड अटेंडेंट इन्हां दे रिलेटिव नू टर्शरी लेवल से अटेंड करते हैं, इन्हों रिलेटिव नहीं जान दिया जाता है, ओबियसली रिलेटिव असी अलाउ नहीं कर सकते जी, अगर वो नैगेटिव पेशेंट असी आइसोलेशन वार्ड से नहीं जान देंगे। बट इन्ह का ये क्वेश्चन है, वार्ड अटेंडेंट नू पूरा गेयर पहना के प्लीज़, इन्हों का क्वेश्चन ये है कि साड़ी फैमिलीज़ नू चंगी तरह जिहड़ा है अटेंड करन। साडे जिहड़े राजेंद्र हस्पताल का अमला है जी, चाहे वार्ड अटेंडेंट हो, क्लास फोर हो, साडे एक्सपर्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, नर्सेज हो, SR हो, JR हो, एवरीबडी इज़ अटेंडिंग अलॉट ऑफ पेशेंट्स। तुसीं इन्हां दा अगर फेसबुक लाइव ते जाओगे, फेसबुक पेज ते जाओगे, इन्हां दी पूरी कोशिश होंदी है सारे पेशेंट्स नूं इंडिविजुअल तौर ते इन्हां दा अटेंड करन, किसी तरह दी भी कोई दिक्कत है सानू दसे, और उत्थे कॉल सेंटर बना जिथे हर एक वाइटल दी तुहानू खबर रिश्तेदारां नूं हर रोज़ एक बार दित्ती जांदी हैगी। तीसरा क्वेश्चन है डायबिटिक पेशेंट दे बारे, कि ये टॉयलेट नहीं जा पाते, काफ़ी वीक होंगे है। मैं वही कह रहा जी, डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कोमॉर्बिडिटी इन कोविड डेथ्स जो देखा गया है, इन्हों का असी स्पेशल ख्याल रखते हैं। बट तुसी अगर क्या है तो मैं एक बार फिर राजेंद्र हॉस्पिटल चेक कर लाँगा, बाकी पिछले 10-15 दिनों अगर देखो हर एक पेशेंट नूं असी इंडिविजुअली अटेंड भी कर रहे हैं। गवर्नमेंट प्रोवाइड द बेस्ट फूड बट सम पेशेंट नीड होम फूड, इन्हों का की टाइम हैगा जी। टाइम बहुत, देखिए जी पूरे दिन असी वार्ड अटेंडेंट नू खाना देने लिए अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज PPE किट पाके जब वार्ड अटेंडेंट उपर जाता है, कल साड़ी एक SR फेंट हो गई, डॉक्टर फेंटेड, बिकॉज गर्मी का मौसम है, ह्यूमिडिटी और PPE किट से पूरा डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो इस करके असी टाइम स्लॉट देता हुआ है। ब्रेकफास्ट का टाइम है 7-8, लंच का टाइम है 12-1 दिने, और जो डिनर का टाइम है 6:30-7:30। अगर तुसी राजेंद्र हॉस्पिटल के MCH बिल्डिंग के सामने जाओ, उत्थे असी एक बैनर भी लाया हुआ है, मैं फिर तो रिपीट करता, ब्रेकफास्ट 7-8, लंच 12-1, डिनर 6:30-7:30।
बाकी सारे क्वेश्चन जिहड़े सीगे, कई क्वेश्चन बहुत रेलीवेंट भी सीगे, बहुत इंपोर्टेंट सीगे। मैं फिर तो तुहानू सारयां नू यही अपील करदा जी, मास्क पाओ, सोशल डिस्टेंसिंग दा तुसी एहतियात रखो, अपने बुजुर्ग दा ध्यान रखो और अपने बच्चे दा ध्यान रखो। जय हिंद, थैंक यू।